भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में, कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। इन दिनों दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव हुआ, जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे लद्दाख में, उसी प्रकार से दीव, दमन और सेल्वास में भी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो गया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम दो सीट पर थे, दो, और दो कमरों से पार्टी चला करती थी, आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है। साथियों, भारत के लोग, 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं, अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। कल जो नतीजे आए उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। देश की जनता आपकी मेहनत को देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है, और इसलिए चुनाव के समय बिना किसी भ्रम में पड़े जनता जनार्दन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके दे करके आती है। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर यह तय कर दिया है कि 21